सो हे व्हाट्सअप मेरे चैनल, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आप लोग के सामने न्यू कमाल वीडियो के साथ आ चुके हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सो फाइनली आप लोग के सामने न्यू कमाल एंड धमाल फोटो एडिटिंग लेके आए, जिसमें आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग फुल HD फोटो एडिटिंग एंड आप लोग को यहाँ पे HDR फेस स्मूथ कैसे करते हैं, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखना है, क्योंकि भाई लोग आपको लोग के लिए ना रोज डेली वीडियो लाते हैं एंड आप लोगों को बहुत सारा मेहनत करने के बाद आप लोगों को सिखाने के लिए रोज डेली भाई रोज डेली न्यू से न्यू वीडियो लाते हैं, क्योंकि आप लोगों को मुझे सिखाना है। तो भाई आप लोग से बस इतना ही रिक्वेस्ट है, आपका भाई आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि आप लोग शुरू से लेकर के बस वीडियो के आप लोग को लास्ट देख लीजिएगा एंड चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को इस वीडियो में ना भाई, देखो यहाँ पे ब्लैक टोन है ना भाई, बैकग्राउंड में जो ब्लैक टोन है ना बहुत कमाल का लगता है। तो फाइनली यहाँ पे देखो ये आपको बताने वाला हूँ, इसमें आप लोग को फेस को इतना क्वालिटी में भाई कितना भी जूम कर लीजिए, कितना भी जूम कर देना भाई एक भी नहीं फटेगा, जैसे कितना भी जूम कर लीजिए थोड़ा भी नहीं फटेगा, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे HDR जो है स्मूथ किया भाई, इतना खतरनाक तरीके से हम कैसे स्मूथ करते हैं एंड आप लोग को मैं इंस्टाग्राम पे कैसे इतना खतरनाक तरीके से स्मूथ करके एंड आप लोग को फोटो एडिटिंग करके डालता हूँ। तो गाइज आप लोग भी शुरू से लेकर अगर वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो क्या होगा भाई, आप लोग फोटो एडिटिंग सीख लीजिएगा ना, तो आप लोग भी इंस्टाग्राम पर अपना फोटो एडिटिंग करके वायरल हो सकते हैं। सो फाइनली आप लोग देखते हैं आप लोग क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं बिना देरी का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ सीधा गैलरी में चलते हैं एंड आप लोग को यहाँ पे ओरिजिनल फोटो हम दिखा देते हैं कि मेरा ओरिजिनल फोटो कौन सा है। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं यही जो मेरा है ना ओरिजिनल फोटो, कुछ इस प्रकार से हम शूट किए हुए हैं एंड आप लोग को भी शूट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैं अपने कैमरे का जो है ना निकॉन वाला जो है यहाँ पे कवर के साथ आप लोग का लेंस कवर है, जिसको आप लोग को मैं शूट किया हूँ। आप लोग क्या करना है, सीधा आप लोग को यहाँ पे शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ से सीधा लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके शेयर कर देंगे। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन में आ चुके हैं एंड लाइटरूम एप्लीकेशन में आ जाना, आप लोग सिंपली क्या करना है एक बार आप लोग को बैक आ जाना है और यहाँ से आप लोग को देख सकते हैं ये प्रीसेट है, इस प्रीसेट का आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग को सिंपली वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा एंड आप लोग को वहाँ पर लिंक काम नहीं करता ना भाई, तो आप लोग को बता दूँ सीधा टेलीग्राम पर जाना है एंड आप लोग को वहाँ पर RK एडिटर सर्च करना है, मेरा चैनल आएगा, सिंपली आप लोग को ज्वाइन कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इसको यूज करने के लिए आप लोग क्या करना है, 3 डॉट कोने पे क्लिक करना है, सिंपली गाइस इस पर क्लिक कर देंगे देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ से कॉपी सेटिंग का आएगा, सिंपली आप लोग कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर देना है और क्या करना है सभी बक्से में आप लोग को यहाँ से डन कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ पे डन का ऑप्शन आएगा, सिंपली आप लोग को डन कर देना है एंड आप लोग को बैक आ जाना है, सिंपली आप लोग को उसी फोटो को फिर से ले लेना है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हैं बैक आ जाना, आप लोग सिंपली क्या करना है फिर से आप लोग को 3 डॉट कोने पे क्लिक करना है, इस पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ पे पेज सेटिंग का आएगा, सिंपली आप लोग को भाई लोग पेज सेटिंग पर क्लिक कर देंगे ना तो आपका फोटो जो है एक क्लिक में एडिटिंग हो जाएगा। देख सकते हैं कितना कमाल तरीके का एडिटिंग हो चुका है एंड आपका भाई एक क्लिक में एडिटिंग करके दिखाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कितना खतरनाक तरीके से फेस एकदम व्हाइट से व्हाइट हो चुका है एंड आप लोग को ये प्रीसेट है ना भाई बहुत ज़्यादा कमाल का प्रीसेट है भाई। इस प्रीसेट को आप लोग को डाउनलोड करने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स आप लोग को बताते हूँ आगे क्या करना है, सिंपली आप लोग को यहाँ पे इस कोने पे इस पर क्लिक करना है एंड आप लोग इस पर क्लिक कर देंगे ना, आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेना है, यहाँ से आप लोग को शेयर का ऑप्शन लेगा, सिंपली आप लोग को शेयर पर क्लिक कर देना है एंड आप लोग क्या करना है यहाँ से आप लोग को ऑटोडेस्क एप्लीकेशन में शेयर कर लेना है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो ऑटोडेस्क एप्लीकेशन आ चुके हैं स्मूथ करने के लिए। तो गाइस आप लोग को क्या करना है, सिंपली आप लोग को यहाँ पे ब्रश का ऑप्शन मिलेगा, तो भाई आप लोग को ब्रश पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आप लोग को ब्रश वाला में चले जाना है। तो देख सकते हैं आप लोग को ये वाला ब्रश है HDR के लिए ये ब्रश है एंड आप लोग देख सकते हैं बहुत कमाल का ब्रश है। सिंपली आप लोग क्या करना है, इसी ब्रश को आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, इस पर क्लिक कर देंगे
एंड आप लोग को यहाँ से क्लिक करना है, इसे यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे और इसका आप लोग को सेटिंग जो है ना आपको फॉलो 20 रख लेना है एंड आप लोग का एसेंट आप लोग 29 रख देंगे। एंड आप लोग देख सकते हैं इसको कट कर देते हैं एंड आप लोग फोटो को जूम करके आप लोग का स्मूथ करना है भाई। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एकदम बहुत ही एकदम लेवल में स्मूथ होगा। एंड गाइस आप लोग यहाँ पे थोड़ा भी आप लोग ब्लैक रहेगा ना भाई, एकदम लेवल में स्मूथ कर देगा। देख सकते हैं यहाँ पे कितना लेवल में स्मूथ हो रहा है ना भाई, एकदम आप लोग एकदम मिक्स हो जाएगा, तुरंत मिक्स हो जाएगा भाई। जैसे मैं स्मूथ कर रहा हूँ सिंपली गाइस आप लोग को भी कुछ उस प्रकार से आप लोग स्मूथ करना है। एंड आप लोग को यहाँ पे देख सकते कितना आप लोग यहाँ पे देख सकते, थोड़ा भी आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा कितना खतरनाक तरीके से स्मूथ हुआ है, क्योंकि आप लोग को एच डी आर में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को सिंपली यही वाला ब्रश को आप लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड आप लोग को ऐसा फिर से बता रहा हूँ, ऐसा आप लोग को सेटिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते आप लोग जहाँ जहाँ ब्लैक है ना भाई, आप लोग को सिंपली आप लोग को वहाँ पर राउंड राउंड चलेगा ना, एकदम आप लोग को जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ पर आप लोग एकदम खत्म हो जाएगा, एक ही में मिक्स हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, स्मूथ को आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। एंड आप लोग क्या करें, एकदम धीरे धीरे आप लोग का स्मूथ करना है। यहाँ पे आप लोग साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जिस हिसाब से आप लोग को जगह रहेगा ना भाई, उसी हिसाब से आप लोग को छोटा बड़ा करके साइज को स्मूथ करना है। तो यहाँ पे देख सकते कितना खतरनाक तरीका से स्मूथ किया है। एंड आप लोग कुछ इसी प्रकार से आप लोग को वीडियो को फास्ट कर देते हैं एंड आप लोग को स्मूथ कर लेना है। तो चलिए वीडियो को फास्ट करके स्मूथ कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते फोटो को जो है स्मूथ कर चुके हैं कुछ इस प्रकार से। एंड यहाँ पे देख सकते कितना खतरनाक तरीका से स्मूथ किया है। एंड आप लोग क्या करना है, सिंपली आप लोग को यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, बक्से वाला पर क्लिक करना है। एंड आप लोग यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, सिंपली आप लोग को सेव पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग फोटो को सेव कर लेना है और सीधा गैलरी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते गैलरी में आ जाने आप लोग देख सकते यहाँ पे फोटो जो है ना सेव हो चुका है। आप लोग देख सकते सेव हो जाने आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को पहले आप लोग को फोटो का है ना सीवी में कन्वर्ट कर लेना है। एंड आप लोग को सीवी में कन्वर्ट नहीं करना है तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, सिंपली आप लोग क्या करना है, इस शेयर ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड आप लोग को यहाँ से शेयर पर क्लिक करके यहाँ से आप लोग को सिंपली पीकार्ड एप्लीकेशन में आप लोग को शेयर कर देना है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हो पीकार्ड एप्लीकेशन आ चुके हैं। एंड आप लोग को पीकार्ड एप्लीकेशन आज आप लोग क्या करना है, नीचे आप लोग को सिंपली स्क्रॉल करना है एंड आप लोग को यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप लोग इफेक्ट पर क्लिक कर देंगे। एंड आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से देख सकते आप लोग क्या करना है, यहाँ से आपको आर्टिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली गाइस आप लोग को आर्टिस्ट पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद आप लोग क्या करना है, सिंपली गाइस आप लोग को फेटल वन का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे फेटल वन पर क्लिक कर देंगे। इतना कर देना आप लोग क्या करना है, फिर से आप लोग को फेटल वन पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे, इतना कर देना भाई, तो आप लोग देख सकते हैं मल्टीप्लाई का ऑप्शन मिलाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई पर आप लोग क्लिक करना है एंड यहाँ पर देख सकते आप लोग क्या करना है, फेट जो है ना भाई आप लोग को 50 रहेगा, देख सकते यहाँ पे 50 है ना, आप लोग इसको क्या करना है जीरो कर देना है। और आप लोग क्या करना है, ऊपर में आप लोग को देख सकते हैं इरेज का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली इरेज पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इरेज पर क्लिक कर देंगे ना, इसको आप लोग को ब्रश लेना है एंड आप लोग उसका हार्डनेस जो है ना भाई आप लोग क्या करना है 100 रख देना है, हार्डनेस को 100 रख देंगे ना फ्रेंड्स। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इरेज कर लेना है, ठीक है। अपने फेस पर से आप लोग को इरेज कर लेना है, आप लोग को यहाँ पे जैसे ऑनली जहाँ पे आप लोग को बॉडी दिख रहा है ना भाई वहीं से आप लोग को इरेज कर लेना है, ठीक है। आप लोग एक्स्ट्रा पार्ट को आप लोग इरेज नहीं कीजिएगा, ऑनली फेस पर से आप लोग को इरेज कर लेना है। चलिए वीडियो को फास्ट कर देते हैं एंड आप लोग को इरेज कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते हैं इरेज कर चुके हैं एंड आप लोग को इरेज कर देना, आप लोग क्या करना है यहाँ से डन कर देंगे और डन करना आप लोग क्या करना है नीचे स्क्रॉल करना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप लोग को टूल्स पर क्लिक कर देना है। एंड आप लोग को यहाँ से देख सकते हैं स्ट्रेच का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली भाई आप लोग को स्ट्रेच पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ पे वार्प पर क्लिक कर देना है, ठीक है। वार्प पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे साइज का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप लोग साइज को क्या करना है यहाँ से आप लोग को 100 कर देंगे। एंड देन गाइज आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को हेयर को जितना आप लोग को बड़ा रखना चाहते हैं उतना आप लोग यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप लोग को अच्छा लगता है ना भाई उतना आप लोग को यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट हम हेयर को ऊपर कर लेते हैं एंड आप लोग को दिखा देते हैं ऊपर करके कैसे आप लोग को ऊपर होता है। यहाँ पे देख सकते कितना अच्छा तरीका से हैंड को हम यहाँ पे देख सकते फेस, तो यहाँ पे देख सकते क्या करें हेयर को जो एकदम ऊपर उठा लिए एंड आप लोग को डन कर देना है। और यहाँ से आप लोग को फोटो को जो है डाउनलोड कर लेना है, सिंपली आप लोग को डाउनलोड कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ से शेयर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आप उस पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ से फोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर कर देंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बैकग्राउंड ब्लर लेने के लिए ब्लर करने के लिए आप लोग को फोटो रूम का जरूरत पड़ेगा। सिंपली गाइस आप लोग फोटो रूम एप्लीकेशन में शेयर कीजिएगा तो थोड़ा सा स्केल लेगा एंड आप लोग को वेट कर लेना है, जब भी आप लोग का नेट काम करेगा ना भाई अपने आप यहाँ खुद ब खुद बैकग्राउंड एक क्लिक में आपका रिमूव हो जाएगा। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते एक क्लिक में बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है एंड आप लोग को बैकग्राउंड रिमूव हो जाना, आप लोग क्या करना है नीचे स्क्रॉल करना है एंड आप लोग को यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली गाइस आप लोग को ब्लर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते इस पर क्लिक हो गया, आप लोग को ब्लर पर क्लिक कर देना है
एंड आप लोग को थोड़ा सा वेट कर लेंगे, यहाँ पे आप लोग को लोडिंग लेगा। सिंपली गाइस आप लोग को क्या करना है, लेयर पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। इस पर लेयर पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ पे बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है, ठीक है। बैकग्राउंड पर क्लिक कर देंगे और नीचे स्क्रॉल कीजिएगा ना भाई, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली गाइस आप लोग को ब्लर पर क्लिक कर देना, ठीक है। ब्लर पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ पे दूसरा नंबर बक्सा मिलेगा। सिंपली आप लोग को दूसरा नंबर पर क्लिक कर देना है एंड आप लोग को ब्लर जो है अपने आप एक क्लिक में हो जाएगा। जब भी आप लोग क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक क्लिक में ब्लर हो चुका है। एंड आप लोग इस कोने पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे और आप लोग को फोटो को जो है एक बार डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। फोटो को डाउनलोड कर देंगे एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को शेयर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप लोग को शेयर पर क्लिक कर देना है। शेयर पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग यहाँ से पिकार्ड एप्लीकेशन में शेयर कर दीजिएगा। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं पिकार्ड एप्लीकेशन आ चुके हैं एंड आप लोग को पिकार्ड एप्लीकेशन में आज आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को सिंपली एडिट फोटो का ऑप्शन मिलेगा। तो भाई आप लोग को सिंपली एडिट फोटो पर क्लिक कर देंगे और आप लोग को जिस फोटो को आप सीवी में कन्वर्ट किए थे उस फोटो को यहाँ से ऐड कर लेना है, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे एंड आप उसको जूम करके यहाँ से आप लोग को जूम कर देना, एकदम बराबर में रख देना है। और ऊपर में आप लोग को इरेज का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप लोग इरेज पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को नीचे यहाँ पे देखिएगा इन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली गाइस आप लोग क्या करना है, इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप लोग क्या करना है, जूम करके यहाँ से आप लोग को फोटो रूम को रिमूव कर देना है, ठीक है। एक क्लिक में आपका भाई देख सकते हैं फोटो रूम रिमूव करके दिखा दिया एंड आप लोग को यहाँ से डन कर देना है। एक बार और डन कर देते हैं, डन कर दे आप लोग देखते इतना काम कर देना। आप लोग क्या करना है, पीएनजी को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो फटाफट हम पीएनजी को ऐड कर देते हैं। कौन सा पीएनजी लेगा, आप लोग को सारा पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख सकते तीन पीएनजी को ऐड कर चुके एंड आप लोग को तीन पीएनजी ऐड कर देना। आप लोग सिंपली क्या करना है, लाइट वाला पीएनजी को सिलेक्ट कर देंगे एंड आप लोग को लाइट वाला पीएनजी सिलेक्ट कर देंगे ना, आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है एंड आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली गाइस आप लोग को ब्लेंड पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली भाई आप लोग क्या करना है, स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग उसको जूम करके एंड आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं हेयर के पास लगा लेना है, ठीक है। इतना कर देंगे एंड आप लोग को फिर से आप लोग को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एडजस्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली गाइस आप लोग को एडजस्ट पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं ह्यू का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ह्यू पर आप लोग क्लिक करके एंड आप लोग उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे ये वाला कलर आप लोग को थंबनेल में दिखाए थे तो भाई आप लोग को वैसा सेम टू सेम एडिटिंग करके दिखाएंगे। तो गाइस इतना कर देना, आप लोग को डन कर देना है और यहाँ से आप लोग क्या करना है, सिंपली गाइस आप लोग को फिर से आप लोग को ये लॉन्ग वाला पीएनजी को आप लोग सिलेक्ट करके एंड आप लोग को फिर से वही काम करना है जो आप लोग को बताए थे। सिंपली आप लोग क्या करना है, फिर से बता रहा हूँ, ब्लेंड पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे, ब्लेंड पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को फिर से यहाँ से स्क्रीन पर क्लिक कर देना, ठीक है। स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग उसको ऊपर में ऐसे लगा देना है और सिंपली आप लोग इसका भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करना है, फिर से आप लोग को एडजस्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को ह्यू पर क्लिक करके इसको आप लोग को ग्रीन आप लोग को दिखाया था थंबनेल में, तो जैसे आप लोग को ग्रीन कर देते हैं एंड आप लोग को डन कर दे, ठीक है। इतना कर देंगे एंड आप लोग को थोड़ा सा बड़ा करके लगा देना है और सिंपली गाइस आप लोग को इसको इस वाला पीएनजी को क्या करना है, सिंपली आप लोग नीचे स्क्रॉल कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस आप लोग को ब्लेंड पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग स्क्रीन कर लेना है। यहाँ पे स्क्रीन कर देंगे ना, आप लोग ऐसे जूम करके इस कोने में आप लोग कुछ इस प्रकार से लगा दीजिएगा। तो गाइस आप लोग को इतना कर देना, आप जैसे फेस पर नहीं आना चाहिए, ओनली आप लोग को इतना कर देंगे एंड आप लोग को डन कर देना, ठीक है। तो भाई आप लोग का फोटो जो है पिकार्ड बन के रेडी हो चुका है एंड आप लोग को क्या करना है, यहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड कर देंगे एंड सीधा गैलरी में चले जाते हैं, गैलरी में चले जाएंगे एंड आप लोग को गैलरी में चले जाकर देख सकते हैं अपना फोटो जो डाउनलोड हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरा जो फोटो है ना डाउनलोड हो चुका है एंड आप लोग इसको क्या करना है, थोड़ा सा लाइटिंग एडजस्ट करने के लिए आप लोग को शेयर पर क्लिक कर देना है एंड आप लोग को यहाँ से स्नैपसीड एप्लीकेशन में आप लोग को शेयर कर देना है, ठीक है। शेयर कर देते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर स्नैपसीड एप्लीकेशन आ चुके हैं एंड आप लोग क्या करना है, यहाँ से आप लोग को टूल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। टूल्स पर क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को सिलेक्टिंग पर लेकर के थोड़ा सा आप लोग को ब्राइटनेस को बढ़ा देना है एंड आप लोग को सिचुएशन माइनस कर देना है, ठीक है। जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे ब्लैक ब्लैक लग रहा है वहाँ से आप लोग को ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, ठीक है। जहाँ से आप लोग को ब्लैक लग रहा है वहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे एंड आप लोग को सिंपली गाइस आप लोग को टूल्स पर क्लिक करना है, ठीक है। टूल्स पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग को कर्व्स का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है एंड आप लोग को देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक कर देंगे एंड आप लोग को यहाँ से ब्लू वाला सिलेक्ट कर लेना है भाई। यहाँ पे ब्लू सिलेक्ट करके एंड आप लोग उसको क्या करना, ऊपर की तरफ कीजिएगा तो आप लोग को बैकग्राउंड में है ना ब्लू टोन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग टूल्स पर क्लिक करके सिंपली आप लोग को ब्रश पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करके
एंड आप लोग सिचुएशन पर क्लिक करके होट पे आप लोग को थोड़ा सा रेट कर लेना है, ठीक है। इतना कर देंगे एंड आप लोग को डन कर देना है, ठीक है। आप लोग कोने में डन का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली गाइस आप लोग को डन कर देंगे एंड आप लोग को फोटो जाने देख सकते हैं, पहले ऐसा फोटो था एंड आप लोग को स्नैपशीट एप्लीकेशन में एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे जैसे ऐसा फोटो एडिटिंग हो चुका है। तो गाइस आप लोग को जैसा थंबनेल में दिखाए थे वैसा सेम टू सेम आपका भाई एडिटिंग करके दिखा दिया है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक एक कमेंट कर दीजिएगा और अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।